दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए पांच ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी यूजफुल होने वाली है। तो पहली जो हमारे यहाँ पे एक ट्रिक है, तो ये पहली जो ट्रिक है वो है चेंज आइकन की। के लिए अपने कोई सॉफ्टवेयर की जो है उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो अपने को शॉर्टकट के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज आइकन्स। सीधे अपने को चेंज आइकन्स पे क्लिक करना है और आइकन सेलेक्ट करना है। आइकन सेलेक्ट करके ओके प्रेस करके अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो अपना जो डेस्कटॉप पे रखा हुआ जो सॉफ्टवेयर है वो आइकन चेंज हो चुका होगा। दूसरी जो ट्रिक है वो है क्रिएट शॉर्टकट की। जैसे अपने को कोई भी अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करने में बार बार से दिक्कत हो रही है, तो अपन उसकी शॉर्टकट की फिक्स कर सकते हैं अपनी फेवरेट शॉर्टकट की बना के। तो उसके लिए अपने को, जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट की बना रहा हूँ, तो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे गया तो यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर अब मुझे शॉर्टकट की का ऑप्शन नज़र आ गया। तो यहाँ पे अपने को नन पे क्लिक करना है। नन पे क्लिक करते ही अपने जो भी अपनी फेवरेट शॉर्टकट की है वो डालेंगे। मैंने यहाँ पे ई सेलेक्ट किया, अप्लाई पे क्लिक किया, तो दोस्तों मेरी जो शॉर्टकट की है वो बन चुकी है। अब मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट ई प्रेस करूँगा तो मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप भी ऐसे कर सकते हो। तीसरी जो ट्रिक है वो है न्यू फोल्डर। जैसे दोस्तों ज़्यादातर लोग जो होते हैं न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करके न्यू पे जाते हैं, न्यू पे जाके फिर फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो ये जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है। तो अब जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए काफ़ी नई ट्रिक है और लेटेस्ट है। तो आपको जो है सिंपली कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन फ्रेश करना है। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन फ्रेश करोगे आपका जो शॉर्ट फोल्डर है वो क्रिएट हो चुका होगा। आप ये फोल्डर कहीं पे भी कैसे भी इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। चौथी जो आपकी ट्रिक है वो है फाइल फ्री हो। दोस्तों ये जो ट्रिक है ये आपके काफ़ी काम आने वाली ट्रिक है और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाने वाली ट्रिक है। ज़्यादातर जो दोस्तों जो फाइलें होती है अंदर जाके अपने को देखनी होती है कि इसके अंदर क्या मैटर है, बहुत सारी चीज़ें होती है तो ढूंढने में अपने को बात काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अपने को एक बटन दे रखा है द प्रीव्यू पैन का, तो अपने को सिंपली इस पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, तो इधर अपने को उसका प्रीव्यू नज़र आ जाएगा कि इस फाइल के अंदर क्या मैटर है। तो ये भी आपका काफ़ी यूज आने वाली ट्रिक है, तो ध्यान रखना। अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी पांचवी जो अपनी ट्रिक है वो है वाईफाई पासवर्ड। तो दोस्तों ये जो पांचवी ट्रिक है आपकी ये बहुत ही काम आने वाली ट्रिक है। तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको जो है ये ट्रिक कैसी लगी है, ठीक है। तो चलो अपनी जो ये वाईफाई वाली ट्रिक है इसके लिए अपने को सबसे पहले जो है अपने वाईफाई कनेक्शन लोगो पे क्लिक करना है। इस पर अपने को अपना वाईफाई शो हो जाएगा, तो उस पर अपने को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। जैसे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे अपन तो अपने को एक विंडो अपेयर होगी और इसमें सिक्योरिटी में जाके अपने को एक शो पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे शो करेक्टर्स, तो अपने को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी जो वाईफाई पासवर्ड है वो ऊपर आपको नज़र आ जाएंगे। तो आप मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह का वीडियो लेके आता रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बता देना, ज़रूर बोलना मत। ठीक है, थैंक यू।